नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर के प्रांगण में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वावधान में संचालित नियमित निशुल्क योग कक्षा, जो वैश्विक बीमारी कोरोना के कारण बंद थी, का पुनः संचालन आज दिनांक 11 तारीख को प्रातः 5 बजे हवन होमादि के साथ प्रारंभ किया गया। उपस्थित समस्त साधकों ने पूर्व की भांति निर्धारित समय प्रातः 5 से 7 तक नियमित योगाभ्यास करने का संकल्प किया। पतंजलि परिवार एवं योग के प्रति जागरूक सभी भाई बहनों ने यह सुनिश्चित किया कि वैश्विक बीमारी कोरोना से बचाव के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करते हुए व्यक्तिगत दूरी व अन्य सावधानियों का विशेष ध्यान रखा जाए। जनपद में बदहाल हो चुकी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर बहाली तक जनता के सहयोग से आंदोलन का मन बना चुके सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने आज जिला महिला अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं एवं चिकित्सा कर्मियों की कर्तव्यहीनता के चलते प्रसव कराने आई महिला मरीजों एवं उनके परिजनों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर अपने 9 सूत्री मांग वाले मांग पत्र के साथ आज जिलाधिकारी से मिलकर पूरी समस्या से विस्तार पूर्वक उन्हें अवगत कराया। उनके मांग पत्र पर इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाने का जिलाधिकारी ने आश्वासन भी दिया। इस मौके पर मोहम्मद परवेज, छात्र नेता आकाश तिवारी, प्रवीण पांडे, जितेंद्र राय, दीपक कुमार, धर्मेंद्र यादव, शैलेश यादव, सुनील कुमार, अजय यादव इत्यादि छात्र मौजूद थे। प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, सिविल बार एसोसिएशन व सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इनके खिलाफ अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते यातायात करीब 1 घंटे तक बाधित रहा, जिससे आने जाने वालों को काफी कठिनाइयां हुई। बताते चले कि शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सकरताली गांव निवासी अधिवक्ता रामपति यादव को मुकदमा दर्ज कर रविवार की देर रात उन्हें जेल भिजवा दिया गया, जिसे लेकर सोमवार को दोनों एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर जुलूस निकालकर धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने इस संदर्भ में 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्रताप सिंह यादव, महासचिव मोहम्मद तारिक सिद्दीकी, लियाकत अली, बाल मित्र केशरी, राकेश कुमार, ब्रिजेश यादव, शशिकांत आदि लोग मौजूद थे। देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार के नेतृत्व में विकास के नए पैमाने गढ़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों, बेरोजगारों, व्यापारियों, स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगातार काम कर रही है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उक्त बातें बलिया जिले के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मरदा के करमदासपुर पृथ्वीपुर में आयोजित युवा तुर्क कृषक उत्पादक संघ के कार्यालय के उद्घाटन और जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती के अवसर पर की। आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सैकड़ों बहनों बेटियों का सिंदूर धोने वाला मुख्तार अंसारी जैसा माफिया भी अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। विपक्षी पार्टियों पर हमलावर सुरेंद्र सिंह ने मायावती और अखिलेश पर जमकर तंज कसा, कहा कि इन्हीं लोगों की देन है कि उत्तर प्रदेश में अपराध संस्कृति फली फूली, लेकिन अब समय खत्म हो चुका है। इन दैत्यों का संहार करने के लिए योगी आ चुके हैं। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अतिथियों के साथ साथ मेधावियों को उपहार के रूप में डायरी, कपड़े और थर्मस भेंट किया गया। इस मौके पर शिवजी सिंह, लक्ष्मण सिंह, लल्लन सिंह, शशिधर सिंह, शशि प्रकाश सिंह, नीरज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। संचालन व आभार व्यक्त केयर विलेज फाउंडेशन के संस्थापक विशाल सिंह ने किया। गाजीपुर 12 अक्टूबर 2020, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में धान क्रय के संबंध में समीक्षा बैठक राइफल क्लब सभागार में संपन्न हुई। बैठक में 15 अक्टूबर से धान क्रय केंद्र चालू किए जाने के संबंध में सभी क्रय एजेंसियों के जिला प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 15 अक्टूबर से पूर्व ही क्रय केंद्रों पर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाए, जिससे किसानों को केंद्रों पर धान लाने के पश्चात कोई परेशानी न हो पाए। धान क्रय में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित क्रय एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में समस्त उप जिलाधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।